हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आप लोग को चैनल में फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज हिंदुजा ग्लोबल सॉल्यूशन लिमिटेड का जस्ट स्टॉक अपडेट है। यह हमारा पोर्टफोलियो में नहीं है और इसका बोनस का न्यूज़ सब पिछले अगस्त से चल रहा था, बट प्राइस हाई होने की वजह से हमने इसमें इंटरेस्ट नहीं दिखाया था। तो अभी इसमें एक ब्रेकिंग न्यूज़ आ गया, तो ये वीडियो अगर आपको बाइंग के लिए नहीं रहेगा, जस्ट हमारा स्टडी पर्पस के लिए हम ले रहे हैं, तो क्या हो सकता है करके। 6 जनवरी को थर्सडे का दिन में कंपनी ने 1:1 का बोनस डिक्लेयर किया और 150 रुपीज़ का डिविडेंड भी डिक्लेयर किया, विच इज़ हाईएस्ट। अभी तक इन्होंने इतना डिविडेंड नहीं दिया, 150 रुपीज़ का बहुत बड़ा डिविडेंड अनाउंस किया। तो उसका नेक्स्ट डे में ये कंपनी 20% करेक्शन होता है, तो लोअर सर्किट लग जाता है, 714 रुपीज़ का बहुत बड़ा करेक्शन आ जाता है। तो क्या वजह है? अगर आप ऑलरेडी इसमें होल्ड करके है तो आपको ऑलरेडी पता है, अगर आप रेगुलरली न्यूज़ पढ़ते हैं तो मिंट में होने दो, इकोनॉमिक टाइम्स, मनी कंट्रोल, सारा न्यूज़ में ये ऑलरेडी अपडेट्स आ चुका है। अगर आप नहीं देखा तो आपके लिए ये जस्ट अपडेट से हमको कितना केयरफुल रहना है करके। तो हम इंट्राडे नहीं करते हैं, जो भी इंट्राडे किया है उनके लिए बहुत बड़ा नुकसान भी हो सकता है, तो ऐसा वाला चीज़ों में हमको थोड़ा केयरफुल रहना पड़ता है। तो दोस्तों, जैसे हमने बताया, 6 जनवरी को कंपनी ने बोनस डिक्लेयर किया हुआ है, इधर आप देख सकते हैं 1:1, और रिकॉर्ड डेट रहेगा 18 जनवरी को, प्लस 150 रुपीज़ का डिविडेंड भी कंपनी ने अनाउंस कर चुके हैं। तो अभी आपको वीडियो एंड तक देख लीजिए, आपको बाइंग के लिए ये रिकमेंडेशन नहीं है हमारा। तो हम आगे आगे वीडियो में देख लेते हैं क्या वजह है, क्यों गिर गया। तो आप इसका कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट में जाके देखेंगे तो आपको ये अटैचमेंट में मिल जाएगा। तो इन कंटिन्यूशन विथ मीटिंग हेल्ड अगस्त 9th, हैड अप्रूव्ड सेल ऑफ हेल्थ केयर सर्विस बिजनेस टू होली ओन सब्सिडरीज बीटेन इन्वेस्टर विच इज़ ओन्ड बाई फंड्स अफिलिएटेड विथ बेरिंग प्राइवेट इक्विटी एशिया। इन दिस रिगार्ड वी विश टू इन्फॉर्म यू दैट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी मीटिंग हेल्ड दैट इज जनवरी 6th 2022 टुक नोट ऑफ कंप्लीशन ऑफ सेल। दोस्तों, इसमें यही लिखा है कि इनका हेल्थ केयर सर्विस का बिजनेस था, तो इन्होंने कम्प्लीटली वो बिजनेस को सेल किया हुआ है, तो जनवरी 6 को ये सेल डील इनका कंप्लीट हो चुका है। तो इनको इनफ्लो US$1,088 मिलियन पैसा आ रहा है, तो इसका वजह से अभी डिविडेंड का डिक्लेरेशन आ गया। अभी कंटिन्यूशन उसका ही कंटिन्यूशन है ये। तो फर्स्ट पॉइंट में हम देख सकते हैं डिक्लेरेशन ऑफ थर्ड इंटरिम डिविडेंड 150 रुपीज़, विच इज़ 1,500% इन्होंने डिक्लेयर किया हुआ है। रिकॉर्ड डेट रहेगा 18 जनवरी। उसके अलावा इसका नंबर 2 में बहुत सारा इन्फॉर्मेशन दिया है, हम नंबर 3 में जाते हैं। और इक्विटी बोनस शेयर्स दैट इज़ 1:1 का, ये भी इन्होंने अप्रूव किया हुआ है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का, और रिकॉर्ड डेट भी ऑलरेडी दे चुके हैं। तो ये स्टॉक आप देख सकते हैं 2020 तक 800 का नीचे चल रहा था, तो ये 2021 साल में तो बहुत बड़ा इसमें तेजी देखने को मिला। आप जैसा अगस्त में इसमें बोनस का भी बात हो गया, तो उसका बाद में अच्छा खासा तेजी भी आ गया था। आप इधर देख सकते हैं 3,200 का रेंज तक जाके अभी शार्प करेक्शन आ रहा है, और प्राइस एंड वॉल्यूम एनालिसिस आप देख सकते हैं 3 साल में 343% का कंपनी ने रिटर्न दिया हुआ है, और 1 साल में 150% का। तो अभी इसमें पूरा नेगेटिव आ रहा है, आप ईयर टू डेट और 3 महीने का डाटा हमको देख के तो ये नेगेटिव बता रहे हैं। वॉल्यूम आप देख सकते हैं फ्राइडे का दिन 7 लाख इसमें क्वांटिटी ट्रेड हो गया, आउट ऑफ 7 लाख 5 लाख डिलीवरी उठाया गया हुआ, 75% इसमें डिलीवरी उठाया गया हुआ है। तो दोस्तों, इसमें 25% जो भी इंट्राडे किया हुआ, शायद उनको बहुत बड़ा लॉस भी हो सकते हैं, एक बहुत बड़ा लॉस हो सकते हैं उनके लिए। फाइनेंशियल आप देख सकते हैं, नेट प्रॉफिट कंटिन्यूसली कंसिस्टेंटली अच्छा प्रॉफिट में है कंपनी है, एनुअल प्रॉफिट और क्वार्टरली प्रॉफिट भी अच्छा खासा प्रॉफिट है, इवन कंपेयर टू प्रीवियस ईयर ये साल में भी अच्छा खासा प्रॉफिट है। शेयर होल्डर पैटर्न देख सकते हैं आप, 67.19 का इनका होल्डिंग है और 0 प्लेज्ड शेयर्स है। तो दोस्तों, अभी क्वेश्चन यही है, सारा इसका फंडामेंटल्स और सारा चीज़ अभी तक बहुत अच्छा हमको देखने मिला।
अगर आप मिंट होने दो, एकेडमिक टाइम्स, कौन सा भी न्यूज़ चैनल न्यूज़पेपर में जाके आप पढ़ सकते हैं। इधर देखिए, वही हिंदुजा ग्लोबल सॉल्यूशन शेयर प्लान 20% टुडे डिस्पाइट अनाउंसिंग डिविडेंड। तो यही बड़ा क्वेश्चन था, हमारा भी वही क्वेश्चन था, इसके लिए हमने पूरा न्यूज़ और इसका स्टॉक का डिटेल में पढ़ लिया। तो इधर देख सकते हैं आप, इन्होंने दिया हुआ है सैंक 20% ऑन फ्राइडे इन देयर वर्स्ट इंट्राडे फॉल इन 14 ईयर्स विद एनालिस्ट सेइंग ए स्पेशल डिविडेंड अनाउंस बाय द कंपनी आफ्टर सेल ऑफ इट्स हेल्थ केयर बिजनेस मिस्ड इन्वेस्टर एक्सपेक्टेशंस। मतलब इधर इन्वेस्टर का जो एक्सपेक्टेशन था वो फुलफिल नहीं हुआ है। तो आप देख सकते हैं, द इन्वेस्टर कम्युनिटी एक्सपेक्टेड द डिविडेंड टू बी मच लार्जर आफ्टर सच ए बिग डील, सो देर इज डिसअपॉइंटमेंट ऑन दैट फ्रंट। मतलब इन्वेस्टर्स का बहुत बड़ा इसमें एक्सपेक्टेशन था, वो क्या है आप इधर देख सकते क्लियरली। द कंपनी शेयर टैंक 20% इन मॉर्निंग सेशन एज इन्वेस्टर वॉज डिसअपॉइंटेड विथ लोअर देन एक्सपेक्टेड एंड द कंप्लीटेड सेल ऑफ हेल्थ केयर सर्विस ऑफ द कंपनी एच जी एस रिसीव्ड अराउंड 4,000 पर इक्विटी शेयर आउट ऑफ विच इज ओनली 150 पर शेयर इज डिक्लेयर्ड एज इंटरिम डिविडेंड। तो जैसे इनका हेल्थ केयर सर्विस का बिजनेस का सेल डील हो गया, उसका हिसाब से इनको पर शेयर को 4,000 रुपये का प्रॉफिट आ गया, बट आउट ऑफ 4,000 ओनली 150 रुपीज़ इधर इन्वेस्टर्स को एज ए डिविडेंट ये डिक्लेयर कर चुके हैं। तो इसके लिए जो भी इसमें एक्सपेक्टेशन रखे थे कि हाई डिविडेंड का, तो वो नहीं मिल रहा है। बट बाकी का पैसा कंपनी क्या कर रहा है, बाकी का पैसा इन्होंने कंपनी टू मेक इन्वेस्टमेंट एंड ग्रो बिजनेस इन अदर वर्टिकल्स लाइक टेलीकॉम, BFSI एंड मीडिया एक्सेट्रा, सेट मोहित निगम, हेड PMC एम सिक्योरिटीज। तो इनका जो बाकी का पैसा है, ये बिजनेस डेवलपमेंट के लिए फर्दर ये लोग निवेश कर रहा है। तो शेयर होल्डर्स के लिए खाली 150 रुपीज़ का इन्होंने डिविडेंड डिक्लेयर किया हुआ है। तो ये न्यूज़ पॉजिटिव है नेगेटिव है हमको नहीं बोल एग्जैक्टली, इसमें गेस नहीं कर सकते हैं, बट ये कंपनी अच्छा है, इसमें पैसा आ गया और बिजनेस भी डेवलप हो रहा है। बट जैसा पब्लिक का एक्सपेक्टेशन था वो नहीं मिला, इसके लिए इसमें हैवी सेलिंग चल रहा है। तो शायद इसमें फर्दर करेक्शंस भी हो सकते हैं। टेक्निकल इंडिकेटर्स देख लेते, ये 3,600 का लेवल से शार्प करेक्शन होके 2,856 में आ गया, इसका वजह से RSI डायरेक्टली 70 का लेवल से 37 में आ गया, MACD भी कट करके नीचे की तरफ आ गया, सुपर ट्रेंड भी पूरा ऑफ कोर्स ये टेक्निकल इंडिकेटर्स नेगेटिव में कन्वर्ट होता है। तो दोस्तों कंपनी अच्छा है, कंपनी में कुछ बुरा नहीं है, ऐसा कुछ करप्शन ऐसा कुछ चीज़ नहीं हुआ है। बट जैसा इन्वेस्टर्स का एक्सपेक्टेशन है वो फुलफिल नहीं हुआ। तो फर्दर इसमें कब तक करेक्शन होता है बोल नहीं सकते, जैसे करेक्शन होकर ट्रेंड रिवर्सल होता है तो 18 जनवरी का पहले आपको पोजीशन ले सकते हैं। बट ये हाई रिस्क स्टॉक है क्योंकि इसका प्राइस अभी ऑलरेडी बहुत हाई हो गया और इसमें नेगेटिव को न्यूज़ की वजह से बहुत सारा करेक्शंस आ रहे हैं। तो हम इसमें बाइंग का आपको रिकमेंडेशन नहीं दे रहे, ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज़ के लिए रहा ये वीडियो था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, फर्स्ट टाइम विजिट किया तो सब्सक्राइब कीजिए।